हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट.etc। आजकल पैसे की ज़रूरत दुनिया में सबको है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या कोई बूढ़ा हो। सब चाहते हैं काश मेरे पास पैसे की भरमार हो या कहीं से ढेर सारा पैसा मिल जाए, जिसकी मदद से मैं कोई बिजनेस करके पैसे वाला इंसान बन जाऊँ। इन्हीं सारी परेशानियों का हल करने के लिए मार्केट में जोरों के साथ एक नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, जिसकी एड भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी महेंद्र धोनी कर रहे हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में सिर्फ आधार कार्ड का नंबर देने से हमें लोन मिल जाएगा, और लोन मिलेगा भी या नहीं? आज इन्हीं सारी बातों का खुलासा करूंगा मैं अपनी इस वीडियो में, तो वीडियो पर एंड तक बने रहें। भाई देखो, ये ऐप लोन तो दे रहा है मगर सिर्फ कुछ लोगों को ही, जैसे कि कोई बड़े पद पर सरकारी कर्मचारी हो और किसी बड़े बिजनेसमैन को जिसका बिजनेस महीने में 60 से 70 हज़ार का हुआ। और कमाल की बात यह है कि उन लोगों को भी लोन ऐसे ही नहीं मिल रहा, उनकी पिछली एक साल की बैंक स्टेटमेंट को देखकर लोन दिया जा रहा है। जिसकी कमाई 50 से या 20-30 हज़ार से कम है उसका लोन कभी आता ही नहीं और पेपर उसके पेंडिंग में पड़े रहते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि धोनी तो बोलता है 15 मिनट में लोन मिलेगा, तो मेरे भाई सिर्फ ये 40 सेकंड का ऐड करने के लिए धोनी को करोड़ों रुपया दिया गया है। बल्कि सच बात तो ये है कि इस ऐप से लोन मिलेगा ही नहीं। अब जरा आप ही सोचो, कोई जिसके पास कोई काम ना हो और कुछ कमाई का कोई सोर्स भी ना हो, उसको आप कभी अपना पैसा दोगे? नहीं ना, तो फिर ये इंडिया बोल धनी ऐप कैसे देगा मेरे भाई? ये बस इस ऐप को पॉपुलर करने के लिए बिना मतलब का ढोंग रचा रखा है, और ये ढोंग रचने के लिए मदद ली है धोनी की, क्योंकि धोनी की इमेज लोगों की नज़रों में बहुत अच्छी है, लोग उस पर आंखें बंद करके भी विश्वास करते हैं। और जो बड़े बिजनेसमैन और सरकारी कर्मचारी को इससे लोन मिल गया या अब मिलेगा, मैं उन लोगों को सूचित कर देना चाहता हूँ कि वो ज़रा सतर्क हो जाए, क्योंकि ये ऐप आपसे अब दुगने पैसे वसूल करेगा। ये कम से कम 19% ब्याज दर से आपसे पैसा लेगा, यही इस ऐप का असली बिजनेस है। और आप पैसा देने से खुद को रोक भी नहीं पाओगे, बल्कि ये ऐप खुद ही पैसा ले लेगा, क्योंकि लोन लेते वक्त ये ऐप आपकी पूरी जानकारी लेता है, जैसे आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और पैन नंबर, और ये सब कुछ काफ़ी है किसी भी बैंक अकाउंट से पैसा निकालने के लिए। और रही बात हम गरीब लोगों की, जो इस ऐप को डाउनलोड करके लोन का इंतज़ार कर रहे हैं या जिनकी सैलरी 10 से 12 हज़ार है, तो मेरे भाई हम लोगों को ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस ऐप से तो हमें ज़िंदगी में कभी भी कुछ नहीं मिलने वाला। बल्कि इस ऐप को डाउनलोड करके हम इस कंपनी को और भी पैसा दे रहे हैं। जब से ये ऐप मार्केट में लॉन्च हुआ है तब से इसको 5 मिलियन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, मतलब 22 करोड़ रुपए। अब इसमें से अगर किसी को ये 1 या 2 लाख रुपए लोन कहकर दे भी देगा तो इस ऐप का क्या घिसेगा या इस कंपनी का क्या जाएगा? खैर, आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करके। वीडियो को लाइक करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद। गुड बाय।